धरती के स्वर्ग में से एक उत्तराखंड का जोशीमठ अपनी खूबसूरती के लिए तो हमेशा ही चर्चा में रहा है, लेकिन आजकल इस जगह की चर्चा इसकी खूबसूरती को लेकर नहीं बल्कि यहाँ की खूबसूरती में लगने वाले ग्रहण को लेकर ज्यादा हो रही है, क्योंकि जोशीमठ धसता जा रहा है। जोशीमठ में तबाही का मंजर नजर आने लगा है। तबाही में बढ़ोतरी हुई तो सरकार निशाने पर आ गई, क्योंकि यहाँ के लोगों के आंसू अब आंखों से बाहर झांकने लगे हैं और सवाल कर रहे हैं शासन प्रशासन से। साथ ही इल्जाम दे रहे हैं एनटीपीसी पर बन रही टनल को। तबाही ज्यादा बड़ी तो विशेषज्ञों की टीम निरीक्षण करने पहुंची और मंजर देखकर हैरान रह गई। शहर के बेतरह धसने और दर्जनों घरों और इमारतों की दीवारों, दरवाजों, फर्श, सड़कों पर आई दरारों का कारण पता लगाने में पहले दिन टीम को नाकामी हासिल हुई। टीम ने देखा कि जोशीमठ के तमाम हिस्सों से सतह के नीचे पानी का बेतरतीब ढंग से रिसाव हो रहा है। इसका कोई एक सिरा नहीं है। जोशीमठ वासियों को रात में घरों में फर्श के नीचे पानी बहने की आवाजें आ रही हैं। वे बुरी तरह डरे हुए हैं। टीम के सदस्य दिन भर शहर में हो रहे सुराखों की पड़ताल करते रहे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर जमीन के नीचे ये पानी आ कहां से रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि इस भू धसाव के लिए एनटीपीसी का टनल जिम्मेदार है। टीम ने एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगाड बिजली प्रोजेक्ट की टनल का भी मुआयना किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। देर शाम टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिन भर का ब्यौरा भी दिया। हमारा अभी तात्कालिक रूप से है कि सभी को बचाव की स्थिति में लाया जाए। जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसके साथ साथ हम अध्ययन भी कर रहे हैं कि वो पानी कहाँ से रिस रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसमें हमारा रुड़की का इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट, GIS और तमाम जो अन्य भी जो संस्थान हैं उनसे भी हम मदद लेंगे, उनकी सहायता से भी उस पर काम करेंगे। और जो काम होने हैं उन कामों को भी एकदम से, चाहे ड्रेनेज का काम हो या वहाँ पर सीवर का काम हो या जो भी काम वहाँ पर होने हैं, उन कामों को तात्कालिक रूप से करने की भी हमने योजना बनाई है। हाल ये है कि शहर में कई होटलों की पुश्ते टूटने से वो हवा में लटक रहे हैं, तो कई मकानों को कभी भी जमींदोज करने वाली दरारें आ गई हैं। कई जगह मटमैले पानी का सोता सड़क पर लगातार बह रहा है। JP कॉलोनी का बैडमिंटन कोर्ट तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। यहीं से जमीन के भीतर एक पानी का सोता लगातार तेज रफ्तार से बह रहा है, यानी जोशीमठ में पहाड़ी जमीन के अंदर कई जगहों पर रिसाव है। विशेषज्ञ हर जगह लोगों से बातचीत कर हालात सुलझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सुबह से ही सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा और गढ़वाल मंडल युक्त सुशील कुमार की अगुवाई में विशेषज्ञों की टीम ने जोशीमठ की तबाही का निरीक्षण शुरू किया था। शुरुआत जोशीमठ के ऊपरी हिस्सों मनोहर बाग से की गई। यहां भू धसाव का सर्वाधिक असर दिखा है। टीम जैसे ही लोगों के घरों में पहुंची तो फर्शों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें सर्वाधिक असर दिखा रही थी, और साथ ही ये मंजर देखकर टीम हैरान भी हो गई। दर्जनों लोग टीम को अपने घरों की दरकी दीवारें दिखाना चाहते थे। सब गुस्से में थे, रोष में थे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसान और उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाई है। जल शक्ति मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कमेटी में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण और स्वच्छ गंगा मिशन के विशेषज्ञ शामिल होंगे। कमेटी जमीन धसने के कारणों और प्रभाव की जांच करेगी। ये कमेटी 3 दिन में NMCG को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी भू धसान से मानव बस्तियों, इमारतों, राजमार्गों, बुनियादी ढांचे और नदियों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखेगी। जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और ओली का प्रदेश द्वार है। वहाँ अरसे से बेतरतीब निर्माण गतिविधियां भी चल रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में अति संवेदनशील क्षेत्रों में बने भवनों को तत्काल खाली करने के निर्देश भी दिए हैं।